शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने करेरा थाना प्रभारी अमित भदौरिया को लाइन भेजा। अमित भदौरिया का कार्यकाल सराहनीय रहा। करेरा थाने की कमान सतीश चौहान के हाथों में सौंपी गई। सतीश चौहान ने पदभार ग्रहण कर कहा कि अपराधियों पर कार्यवाही आम जन सच्चा व्यवहार करेंगे, जिससे वो पुलिस से अपनी बात कह सके। करेरा नगर में स्मैक कारोबारियों को पकड़ा जाएगा और आईपीएल में सट्टा लगाने वालों पर भी कार्यवाही की जाएगी। सर, आपने पदभार ग्रहण किया है, आपकी सर प्राथमिकता क्या रहेंगी बताएं सर। प्राथमिकता है सामान्य पुलिसिंग और अपराधियों पर जो है कार्रवाई, आम जन से अच्छा व्यवहार और जो सम्राम नागरिक हैं उनसे हम सुधर पुलिसिंग करेंगे, जिससे कि वो पुलिस के नज़दीक आए। जी सर, सर खरगा में जो है आईपीएल थट्टा बहुत चल रहा है, इससे इस पर भी जल्दी इसमें भी बहुत चल रही है। जी सर, इसमें जब बारीकी से उन्होंने को पता किया, इससे पता चला कि इसका एक मित्र मृतक था अर्जुन कुशवाहा, इसी के नाम से इसकी अर्जुन कुशवाहा से लिपता थी और अवैध संबंधों की वजह से उसको एक बार ही मेरी पत्नी और परिवार में उसके संबंध हो गए हैं, उस वजह से नाराजगी थी और उस नाराजगी की वजह से ये भी पता चला कि उसको धमकाता भी था, वीडियो वगैरह बना थी, लगातार परेशान कर रहा था आरोपी को। आरोपी ने अपने भाई और अपने साले की मदद से उसको बुलवाया समाज के लिए, तो इन्होंने शराब की काफ़ी और शराब डिलीबरेटली मृतक को ज़्यादा पिलाई गई, उसके बाद उसको गला घोट दिया है अपनी पहचान छुपाने के लिए कि बच जाए। उन्होंने काफ़ी दूर चिकरी में जाके गर्मबाग की जगह उसके पास से फेंका, तो तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन्होंने पूरा कबूल कर लिया है। तो एक अच्छी सफलता रही जिसमें हमारे ये सतीश चौहान, हमारे एसडीओपी साहब निधि शर्मा और सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा, विजय खत्री कुलदीप और इनके साथ में टीम में हमारे देवेश तोमर, ओम प्रकाश रावत, सोनू पांडे, इन लोगों की बड़ी उल्लेखनीय भूमिका रही है, जिससे केस का माहौल जल्दी खुलासा हो गया है और एक अच्छी सफलता मिली है। जब ये केस आया था तो इसमें कुछ लोगों ने इस बात पे भी संदेह किया था कि ये पुलिस जल्दी खोल नहीं पाएगी और इसमें दिक्कत होगी, तो इसमें 10,000 का इनाम भी घोषित किया था क्योंकि ये अंदाज करते था चुनौतीपूर्ण था और ये राशि भी हमारी जो टीम है उसको दी जाएगी और एक अच्छा काम शुरुआत जो है नए टी आई के आने के बाद में एक अच्छी पहली सुलभता में अच्छी।